सभी को मेरा प्रणाम, सबको जय गुरु महाराज। सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी विद्यार्थियों को मेरी शुभकामनाएं, सभों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, ढेर सारी दुआएं और बहुत सारा आशीर्वाद। गुरु महाराज कृपा करें, ईश्वर कृपा करें। मेरे टीचर्स से और बड़ों से जो मैंने सीखा है, मैंने उन्होंने मेरे दिल दिमाग पर एक गहरा असर छोड़ा है। उनकी दी हुई सीख मुझे आज आप सबके सामने खड़े होने का योग्य बना रही है, कुछ मैं बोल पा रहा हूँ, इसलिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। देखिए, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, पर ज्ञान का प्रेमी जरूर हूँ और उससे सीखता भी हूँ। शिक्षा का महत्व हमने बचपन से ही देखा है। मेरे माता पिता का मानना था कि ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता रहता है। बड़े 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 गुणी जनों, साहित्यकारों का, साधु महात्माओं का हमने सुना है, उन्हीं के बीच बैठकर हमें सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं ऐसा मानता हूं कि एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वह है शिक्षा, एजुकेशन। आपके पास यदि धन है तो आप उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। धन हो या सोना हो, दोनों के गम होने का, गुमने का डर हो सकता है, गुम हो जाने का या खोने का, पर यही धन को अगर हम नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो कभी कम नहीं होगा और ना ही उसकी चोरी हो सकती है। देखिए, जीवन में मुझे बहुत सी बातों ने प्रभावित किया है, शायद आपको साधारण लगे सुनने में, लेकिन इसमें छिपा सार अनमोल है। यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, तो कोई कहेगा जिसके पास पावर है, वेपन्स है, शस्त्र है, धन है, किसी देश का राजा है या किसी संतनत का वारिस है। मेरा ऐसा मानना है, या और भी वेपन्स, मनी किसी को पावरफुल नहीं बनाती है, या अगर बनाती भी है तो वो कुछ समय के लिए ही बना पाती है। दौलत आज होगी कल नहीं होगी। शस्त्र का ज्ञान तभी तक काम आएगा जब तक वो शस्त्र चल सकता है, पर शास्त्र का ज्ञान कभी नहीं झुकता, मिटता। नॉलेज, शास्त्र का ज्ञान शस्त्र ज्ञान से ज्यादा असरदार और प्रभावशाली और शक्तिशाली होता है। इसलिए देखिए, एक राजा ने कितनों राज्यों पर प्राप्त किया, कौन कौन से शस्त्रों का इस्तेमाल किया, कितने सैनिक थे, ये शायद आपको याद नहीं हो, पर जीरो की खोज किसने की, बल्ब का आविष्कार किसने किया, राष्ट्रगान किसने लिखा, ये आपको जरूर याद होगा। याद है, इतिहास गवाह है कि एक राजा अपनी शक्ति के बल पर केवल वहीं तक पूजा जाता है जहां तक उसका साम्राज्य फैला होता है, वो केवल अपनी प्रजा का प्रिय होता है, पर अपने ज्ञान की कीर्ति फैलाने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन, रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ अपनी जन्मभूमि में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पूजे जाते हैं, संपूर्ण मानव जाति के लिए वो प्रेरणा सूत्र बनते हैं। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह यही है कि सीखते रहिए। ज्ञान का धनी व्यक्ति हमेशा ही सम्मान और आदर योग्य होता है, क्योंकि ज्ञान वो कवच है, वो सील है जो आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से आपकी रक्षा करेगा
फिर किसी भी शस्त्र की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। दो चीजें इंसान यदि एक बार सीख लेता है तो वो उसे कभी भूलता ही नहीं, एक है तैरना स्विमिंग, दूसरा है साइकिल चलाना। सालों बाद भी अगर आप इन क्रियाओं को करेंगे तो कभी भी इस बात की चिंता नहीं होगी कि आपको स्विमिंग करना या साइकिल चलाना याद है कि नहीं, इसमें कोई शक नहीं। काश कि हम पढ़ाई भी इसी नजरिए के साथ करें, काश कि हम भी पढ़ाई भी इसी नजरिए के साथ करें, बिना इस बात की चिंता किए कि एंड रिजल्ट क्या होगा। साल के अंत में जब हम परीक्षा देने बैठेंगे तो कुछ याद रहेगा या नहीं, अच्छे नंबर में पास आएंगे या नहीं, वो हमारे पास नंबर आ पाएंगे या नहीं, आपकी शिक्षा की ये दिन आपको कुछ समय के लिए गंभीर जरूर रख सकती है, पर इस गंभीरता का फल आपको आपके आने वाले दिनों में उम्मीद से कहीं ज्यादा मिलेगी। और इस बात का जीता जागता उदाहरण मैं हूं, जो मैंने शिक्षा काल के दौरान हमने पाई वो आज भी मेरे जीवन के कठिन परिस्थितियों से पार होने में मेरी मदद करती रहती है, वो मेरी कोशिशों में वो मदद करती रहती है। आपका साथ, आपके प्रशंसा के रूप में उम्मीद से कहीं ज़्यादा मुझे प्यार मिला, इसलिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, गुरुकुल की प्रथा हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ज्ञान प्राप्त करके राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए और अर्जुन सर्वश्रेष्ठ योद्धा बने। समय के साथ गुरुकुल का स्थान हॉस्टल में बदल गया, तो गुरु का स्थान वही रहा, वो नहीं बदले, वो हमेशा सबसे ऊंचा रहा है। गुरु का स्थान सबसे ऊंचा रहा है इसीलिए, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे शास्त्रों में कई ऐसे किस्से कहानियां हैं जिसे हमें शिष्य के प्रति गुरु का कर्तव्य और गुरु के प्रति शिष्य की श्रद्धा का प्रमाण मिलता है। देखिए, महाभारत में जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना शिष्य मानने से और अपने गुरुकुल में लाने से इनकार कर दिया था तो एकलव्य ने क्या किया था, अपने गुरु की प्रतिमा एक मूर्ति बनाई उन्होंने और केवल उस मूर्ति से प्रेरणा लेकर के ही धनुर्विद्या सीखने में वही सफलता प्राप्त की जो बाकी योद्धाओं को द्रोणाचार्य के गुरुकुल में हुई। उस प्रतिमा के रूप में एक लव्य को हमेशा अपने गुरु के पास में रहने का एहसास था और जब गुरु साथ में हो तो सफलता हासिल करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, ये हमेशा याद रहे। हम यही चाहेंगे कि आप सब भी प्यारे विद्यार्थियों इन्हीं की तरह सफल हों, आगे बढ़ें और अपने सपनों को पूरा करने में आपके सामने कभी कोई रुकावट न आए। आप कहीं भी हों, आप कभी भी चाहें अपने गुरु से मार्गदर्शन पा सकते हैं। इन बातों का ख्याल रखना ही एक अच्छे गुरुकुल की एकमात्र निशानी है, योग्यता है। आज शिक्षक दिवस है, आज मैं सभी शिक्षकों को एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग किसी तरह सिलेबस को पूरा ना करें, ऐसा ना करें। किसी तरह सिलेबस को पूरा कर दिया जाए, खाना पूर्ति हो, ये नहीं। शिक्षक स्वयं स्वाध्याय करे, मेरे विद्यार्थियों को अच्छा से अच्छा मैं पढ़ाऊं और अच्छी तरह से मैं तैयार करूं, ये निष्ठा शिक्षकों में होनी चाहिए। ये हुआ करता था जब शिक्षक गुरु रहते थे, गुरु हुआ करते थे। आजकल समस्या ये हो गई कि शिक्षक नौकर हो गए। क्या करते हो आप, बोले मैं शिक्षक की नौकरी में हूं। शिक्षक नौकर नहीं होते, शिक्षक गुरु होते। लेकिन शिक्षक ने ही अपना स्टेटस
एकदम कम कर दिया, नौकरी कर रहा हूं मैं, माफ करना। लेकिन गुरु पढ़ाते तब तक इस देश में गुरु पैदा हो रहे थे, जब से नौकरों ने पढ़ाना शुरू किया नौकर ही पैदा हो रहे हैं। जो पढ़ाएगा वो वैसा बनाएगा, समाज भी शिक्षक को नौकर न माने, शिक्षक अपने आप को नौकर न माने, गुरु की स्मिता के साथ में रहे, गुरु के गौरव के साथ में रहे। मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए मुझे कुछ मिल रहा है, ये बात अलग है, लेकिन कुछ मिले तो पढ़ाऊँ, और कभी कभी तो मिलना चाहिए, मैं पढ़ाऊँ चाहे नहीं पढ़ाऊँ, ये हाल है, ऐसा नहीं। ये हमारा स्तर गिरता चला गया, अंग्रेजों ने शिक्षकों को नौकर बना दिया, मानसिकता नौकर की, और जो पढ़ाई पूरी करके निकलते हैं उनकी भी मानसिकता नौकरी की, जैसे ही डिग्री लेके बाहर निकला अब बोले अब नौकरी, किसी तरह नौकरी मिल जाए बस। मानसिकता हमारी नौकर वाली हो गई है बनने की। तो शिक्षक को हो तो शिक्षक के रूप में जिम्मेदारी का निर्वहन करो अच्छी तरह से, आप पर जिम्मेदारी ज्यादा है। एक पुल गलत बन जाए तो कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होती, जनहानि होती है, कुछ लोग मरते हैं, दुख की बात है। एक डॉक्टर बेईमानी से डॉक्टर बन जाए तो पूरे जीवन में 100-200 लोगों को जल्दी यमराज के पास पहुंचने या इंद्र के पास पहुंचने की व्यवस्था करता है। लेकिन एक अध्यापक गलत हो जाए, एक अध्यापक अपना काम ठीक से न करे, एक अध्यापक केवल ये सोचे कि मैं वेतन के लिए काम कर रहा हूं, तो मानिए कि वो ऐसी पीढ़ियां तैयार कर देता है जो देश आगे जा सकता है या पीछे जा सकता है। तो सब अध्यापकों आपके पास जिम्मेदारी ये नहीं कि आप मेरा स्कूल ऐसे कैसे चलेगा, आपके जिम्मेदारी यह है कि आपके यहाँ जितने बच्चे आए वो सिलेक्ट हो चाहे न हो, वो जिंदगी से भरे हुए और भारत के प्रति उत्तरदायित्व से भरे हुए पैदा हो, ऐसा होना चाहिए। ये जो हमारे बीच आ गई है, ये जो गैर जिम्मेदारी हमारे बीच आ गई है, आप अध्यापक हैं, आप एक दीपक से लाखों दीपक जलाने का काम करते, ये आपका कौशल है। बहुत सारे अध्यापकों को ये बात लग सकती है मेरी, पैसे से किसी बात की चीज़ें तय नहीं होती, और अगर अर्थ से चीज़ें तय होती तो यहाँ हिस्ट्री तो सब लोग पढ़ते हैं, इतिहास तो सब लोग पढ़ते हो, जितने इतिहास के विशेषज्ञ हैं या गुरुजन हैं मुझे बताएं याद करके, पूरे 1000 साल में 2 सेठों के नाम बता दो आप, 2 सेठों के, पूरे 1000 साल के भारत के इतिहास के सेठों के नाम पता नहीं आपको। 14वीं शताब्दी का सबसे बड़ा सेठ कौन था ये भी पता नहीं दिल्ली का, 16वीं शताब्दी में इंदौर का सबसे बड़ा सेठ कौन था पता नहीं, केवल 2 सेठों के नाम इस देश को याद है, एक अपनी स्वतंत्रता अस्मिता के लिए लड़ने वाले महाराणा प्रताप के लिए अपने पूरे खजाने को खोल देने वाला भामा शाह, और दूसरा स्वतंत्र भारत की लड़ाई में गांधी के पीछे अपना धन लगा देने वाले बिरला जी, केवल 2 सेठों के नाम याद होंगे। इन 2 सेठों के नाम भी क्यों याद है, इन 2 सेठों के नाम इसीलिए याद हैं कि इन दोनों सेठों ने अच्छे काम के लिए अपने पैसे को लगाया, इसलिए नहीं कि उन्होंने बहुत पैसा कमाया। इसलिए जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जितने को नौकरी लगी है, अगर आप सबसे ईश्वर को कुछ कराना होता, आपसे अगर पैसे ही कमवाने होते तो 10वीं पास वाले लोग भी पैसे कमाते हैं, 12वीं पास वाले भी 2-2 हज़ार टर्नओवर के काम करते हैं, पढ़ा लिखा कर आपको, आपने पढ़ाई की स्कूल में जितने साल पढ़ाई की उसके बाद आपको जज इसलिए बनाया गया, उसके बाद आपको SP इसलिए बनाया गया, उसके बाद आपको कलेक्टर इसलिए बनाया गया है, भारत के किसी कोने में जहां आपकी नौकरी लगे वहां एक छोटी सी धाड़ी में भी रहने वाला एक आदमी, झोपड़ी में रहने वाला आदमी भी जब आपके द्वार पर न्याय मांगने जाए तो स्कूल की शिक्षा याद रखना, अपने गुरुओं का ज्ञान याद रखना, आश्चर्य होता है। IAS के घर में पैसे निकले तो 1 हफ्ते तक तो गिनती लग गई, जब नोटबंदी हुआ था, जब ये छापेमारी हुई थी नोट नहीं गिने गए,
ये क्या देश बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं आप? चूंकि सब कुछ ठीक चल रहा है, केवल जो बीज जड़ में जाना चाहिए वो ठीक नहीं चल रहा है। ये जो देश के चरित्र निर्माण की प्रक्रिया, ये केवल अध्यापक ही कर सकते हैं। जब मनुष्य सामाजिक से आध्यात्मिक होगा तो उसे पता पड़ेगा कि शिक्षक और गुरु में बहुत अंतर होता है। एक छोटा सा हाइक, शिक्षक मात्र शिक्षा देता, शिक्षक मात्र शिक्षा देता और गुरु तो जीना सिखाता है। शिक्षक मात्र शिक्षा देता, जो उसने सीखा है वही आपको सिखाएगा, उसके अलावा वो कुछ नहीं सिखाएगा, क्योंकि वो उसके कोर्स की चीज नहीं है। उसे मतलब भी नहीं कि तुम कैसे जी रहे हो, कैसे मर रहे हो, क्या तुम्हारी साथ में परिस्थितियां, तुम्हें कैसे अपनी परिस्थितियों को हैंडल करना चाहिए, उसे कोई मतलब ही नहीं। उसे ये गुरु का काम होता है, जो आपको जीना भी सिखाता है, शिक्षा भी देता है, और उसके साथ साथ में उस शिक्षा को कैसे काम में लाना, कैसे उस शिक्षा से सीखना कि ये हमारी शिक्षा किस काम में है, किस काम में आएगी और इसको हम कैसे काम में लाएं, इस तरह की जो तरकीब सिखाता है उसका नाम गुरु कहलाता है। जब आपके मन के अंदर विचलन होता है, आपकी परिस्थितियां डमाडोल होती हैं, आप किसी भी तरह के डिसीजन लेने में जब अपने आप को अनकैपेबल पाते हैं, तब उस समय पर शिक्षक की शिक्षा काम नहीं आती है, गुरु का ज्ञान ही काम आता है। इसलिए शिक्षक और गुरु में अंतर लेकर के चलना। आज शिक्षक दिवस है, लेकिन वर्तमान समय में देखने में आ रहा है कि शिक्षक, अभिभावक एवं छात्र, इन तीनों में समन्वय की, सामंजस्य की कमी है। सबसे निवेदन है शिक्षक, अभिभावक एवं छात्र से और शिष्य से भी। देखिए, गुरु और शिष्य का संबंध बिल्कुल अलग होता है। गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है, दोनों के बीच का आंतरिक संबंध होता है, उसमें अभिभावक की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अभिभावक एक बार शिष्य को गुरु के चरणों में अर्पित कर देते हैं, शिष्य गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है, गुरु शिष्य के जीवन को गढ़ना शुरू कर देते हैं, उसे अकिंचन से महान बना देते हैं, पामर से परमेश्वर बना देते हैं। तो गुरु और शिष्य का संबंध तो बहुत ऊंचा है। शिक्षक छात्र के संबंध को मैं कतई गुरु और शिष्य के रूप में नहीं मानता, क्योंकि न आज के शिक्षकों में गुरु की गरिमा है और न आज के छात्रों में ऐसा भाव, क्योंकि वर्तमान में शिक्षा पूरी तरह अर्थ करी हो गई है, ये तो प्रोफेशन हो गया है। इसलिए शिक्षक है जो शिक्षा कर्मी है, शिक्षा का काम करता है, पढ़ाना सिखाने का काम करता है, अध्यापन का काम करता है, वो शिक्षक। लेकिन अगर अध्यापक या शिक्षक की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, वो अगर ठीक ढंग से अपने भूमिका को निभाए तो अपने पढ़ने वाले बच्चों को न केवल उसके बौद्धिक विकास में निमित्त बने, अपितु उनके भावनात्मक विकास में भी कारण बन सकते हैं, वो उनका चारित्रिक विकास कर सकते हैं, नैतिक विकास कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी शिक्षक हैं वो चरित्रवान हों, उनकी दृष्टि अर्थ करी न हो, वो अध्यापन का कार्य करे पर ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी दे। ज्ञान के साथ संस्कार कैसे? संस्कार गढ़ना चाहिए। अगर हम संस्कार गढ़ें तो उसकी छाप पड़ती है। जो शिक्षक खुद व्यसनी होगा, मद्यपायी होगा, धूम्रपान करता होगा, गुटखा मसाला खाता होगा या अन्य प्रकार के कदाचारों से जुड़ा होगा, तो वो चाहे कि उसके छात्र पर उसका कोई असर पड़े तो शायद ये संभव नहीं है। तो शिक्षक को खुद चरित्रवान बनना पड़ेगा। छात्र को चाहिए कि वो शिक्षक का बहुमान करे, क्योंकि शिक्षा कोई साधारण चीज नहीं है कि मनुष्य की जीती जागती दो ही आंखें हैं, याद रखिएगा, अंक और अक्षर, अन्यथा आंख के नाम पर केवल दो छेद हैं। बहुत गहरी बात है, इसे समझिए और ध्यान से सुनिए। मनुष्य की जीती जाती केवल दो ही आंखें हैं, अंक और अक्षर, अन्यथा आंख के नाम पर केवल दो छेद हैं, बस।
तो इस अंक और अक्षर को प्रदान करने वाले यदि कोई हैं तो वो शिक्षक हैं, तो छात्रों को सारे जीवन शिक्षक का बहुमान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, तभी कुछ वो सीख सकते हैं। भले लौकिक ही से, पर ज्ञान तभी मिलता है जब विनय होते हैं। तो छात्रों में विनय का भाव होना चाहिए और अभिभावकों को चाहिए, अभिभावक जो हैं, कि वे अपने बच्चों के पढ़ाई के प्रति जागरूक रहें तो उनके संस्कारों के प्रति भी ध्यान दें, जो वो पढ़ कर के आए उसे जीवन में गढ़ने का मार्ग प्रशस्त दें करें। ऐसा न हो कि वो पढ़ कर के कुछ आए और घर में उसको कुछ आप दें तो मामला उल्टा पुल्टा हो जाता है। कि स्कूल में एक बच्चा गया, शिक्षक ने पढ़ाया सदा सत्य बोला करो, घर आया बच्चा, मकान मालिक किराया वसूलने के लिए जब आया तो पिताजी को खोजा, पूछा पिताजी कहाँ हैं। पिताजी, बेटे ने जाके पिता से पूछा, पिताजी बाहर एक सज्जन आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, क्या करूं। कहा कह दो घर पर नहीं हूं। दूसरे दिन बच्चा फिर स्कूल गया और फिर उसे पढ़ाया गया, सब जीवों से प्रेम करो। घर फिर आया बच्चा, देखा किसी बात पर उसकी माँ और पिता आपस में झगड़ रहे थे। तीसरे दिन फिर स्कूल भेजा गया और स्कूल में पढ़ाया गया, सब जीवों पर दया करो। जब बच्चा घर आया, देखा उसका बड़ा भाई एक लाठी से अपाहिज भिखारी को खदेड़ रहा था। चौथे दिन उसे स्कूल जाने के लिए कहा गया तो बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, पिताजी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां ठीक नहीं पढ़ाया जाता, वहां पढ़ाई ठीक नहीं होती। मैं समझता हूँ सारी बातें स्पष्ट हो गई होगी। इसलिए शिक्षक, छात्र और अभिभावक तीनों को बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सबको प्रणाम करते रहिए, अभिवादन करते रहिए। अभिवादन, हम संसार में भी जो अभिवादन करते हैं, ये अभिवादन एक शिष्टाचार है। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। ये पंक्तियाँ आपने सुनी होगी। किसी के अभिवादन से जीव को चार चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। यह तो लौकिक फल है, परंतु अभिवादन यथार्थ रूप में ये है कि समस्त प्राणियों के अंदर में अंतर्यामी रूप से विद्यमान जो परमात्मा है, उन परमात्मा का ही अभिवादन किया जाता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।